हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत बेसवानी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल EVS Tech अनंत बेसवानी में। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं ये मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स लेके आता हूँ। ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेके आने की कोशिश करता हूँ और आज का वीडियो मेरे ख्याल से इस साल का सबसे शानदार वीडियो है। मतलब कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सभी वीडियोस भी खराब थे, लेकिन हाँ आज का वीडियो जो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है और मैं मान के चलता हूं कि लाखों लोग उससे कमाने वाले हैं। तो यहां पे करना सिर्फ एक काम है, वीडियो को आराम से देखना, तसल्ली से देखना। अगर अभी टाइम नहीं हो तो बुकमार्क कर लो, या आपको पता है मेरा नाम अनंत बेसवानी, EVS Tech करके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को तसल्ली से देखना क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। 2023 आपके लिए अर्निंग देने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए क्या बताने वाला हूं, तो एक आपके लिए स्टोर दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये कहा जाए तो ये एक स्टोर है, एफिलिएट स्टोर जिसको बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे ये जो बनाया गया है ये ब्लॉगर पे बनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर लिखा है xyzlife dailylife.blogspot.com, मतलब ब्लॉगर में बना है। अब आप इसका लेआउट वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने एड भी लगा के दिखाया है कि आप चाहो तो आपका एडसेंस का एड है या जिस टाइप का भी एड लगाना चाहो। ये चीजें भी हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे करना है, अभी मैं सिर्फ आपको लेआउट दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मीनू वगैरह है, बेस्ट सेलर और जो भी आपकी प्राइमरी कैटेगरीज है, सेकेंडरी कैटेगरीज, फॉलो वगैरह मतलब इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह आपके कुछ भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो आप डाल सकते हो, डार्क लेआउट, लाइट लेआउट, ये सारी हो गई। फिर आपके एड्स वगैरह, एक ही जगह एड नहीं है, बाकी जगह भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन लेआउट खराब ना हो तो सिर्फ आपके लिए एक एड अभी मैंने लगा के दिखाया है जो कि मेरी एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट का है। चूंकि ये एफिलिएट थीम है, कहा जाए तो एफिलिएट टेम्पलेट है, ब्लॉगर का टेम्पलेट जो कि आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आके आपके लिए बताऊंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कैटेगरीज भी आप बना सकते हो जो प्राइमरी कैटेगरीज आपके लिए दिखाना है। यहाँ पे अगर मेरे ख्याल से बैनर इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चाहो तो इस बैनर को थोड़ा सा इसके नीचे कर देना, ये भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे किसी भी टाइप के प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद भी आप इसका लेआउट देखो कि यहाँ पे जो है मतलब प्रोडक्ट का नेम वगैरह जो आप देना चाहो, प्राइस देना चाहो और प्राइस के बाद कितना ऑफ मिल रहा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देख सकते हो। आप दो तीन टाइप से मैंने पोस्ट करके दिखाया है, ये आपने देखा होगा तो लास्ट एक वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि ये जो है ये क्लिक बैंक का एक टॉप प्रोडक्ट है, टॉप ऑफर, ये आप देख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे क्लिक बैंक ही ओपन किया हुआ है, तो चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक बैंक के प्रोडक्ट डालो, अमेजोन के प्रोडक्ट डालो, जहां के भी प्रोडक्ट डालो, जो भी कॉल टू एक्शन डालना चाहो। अभी मैं इसका प्रोडक्ट पेज दिखाऊंगा तो आपको और भी शानदार लगेगा। सिर्फ आपको अभी मैं होम लेआउट दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपके नए नए प्रोडक्ट आते जाएंगे वो रहेंगे। फिर आप इस टाइप से कैटेगरीज भी बना सकते हो, मान लीजिए मैंने दो तीन कैटेगरी बनाई है, होम डेकोर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, और यहाँ पे आपके कुछ बैनर्स वगैरह भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फिर आपका फुटर सेक्शन है, प्राइवेसी वगैरह जो भी फुटर वाला है वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो मेन देखने वाली एक और चीज थी वो था आपका ये वाला सेक्शन कि आपका प्राइस सेक्शन कैसे दिखाई दे रहा है, तो मैं आपके लिए दो तीन यहाँ पे ओपन करके दिखा दिया करता हूँ। और इसमें एक सबसे एक और अच्छी चीज क्या है कि आप चाहे इंडिया का प्रोडक्ट डालो या वर्ल्ड वाइड का, आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी टाइप का प्राइस आप लगा सकते हो। यहाँ पे रुपीज भी दिखाई दे रहा है और डॉलर भी आपके लिए दिखाई दे रहा है, समझे आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर इंडिया के लिए साइट बनाई है तो सिर्फ रूबी से दिखाई देंगे या अगर आप डॉलर में नहीं दिखा सकते। जिस टाइप का भी प्रोडक्ट आप डालना चाहो आप यहाँ पे देख सकते हो, रुपीज में भी कुछ प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, कुछ डॉलर्स में भी दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए क्लिक बैंक का प्रोडक्ट है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक दो प्रोडक्ट मैं ओपन करके दिखा दिया करता हूं, तो इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया और ये एक प्रोडक्ट ओपन किया था। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये ऑब्वियसली बात है एक अमेजोन का प्रोडक्ट है, इस पे आप देखोगे तो जो लिंक लगी है वो अमेजोन की लगी हुई है। और मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो अमेजोन इंडिया पे अपन आ चुके हैं। तो एक आपका बटन यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस 75% ऑफ, चूंकि जो सेम चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है 75% ऑफ जो भी प्राइस है वो प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही प्राइस आ रहा है, बाय नाउ का बटन आ रहा है, साथ में एक और आपका बाय नाउ का बटन साइड बार में भी आ रहा है, समझे आप। तो ये आप समझ के रखिए कि ये एक बहुत शानदार होने वाला है। और उसके बाद आपकी कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे जो आपकी सेम कैटेगरी के रहेंगे, तो वो प्रोडक्ट भी नीचे शो होंगे।
तो ये एक और चीज हो गई। अब चाहे आपका क्लिकबैंक का भी प्रोडक्ट हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो $39 का है ये, और मतलब कहा जाए तो ये मैंने थोड़ा सा चेक किया था, तो जैसे इनका पेज आप देख सकते हैं, ये जो पेज है इस पे तकरीबन एक प्रोडक्ट था वो $39 का था पर बॉटल, 6 बॉटल्स वगैरह, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम चीज मैंने पोस्ट कर दी है। तो कहा जाए तो इस टाइप से भी आप लगा सकते हो कि कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, अब वो कहाँ जाएगा, क्लिक बैंक के थ्रू, मतलब ये जो है ये होप लिंक दिखाई दे रही है, तो ये बंदा क्लिक बैंक के थ्रू वहां पहुंच गया। और सेम चीज यहां भी रहेगी कि यहां पे भी बंदा क्लिक करेगा तो वो आपकी एफिलिएट लिंक के थ्रू क्लिक बैंक पर पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा टेम्पलेट आपके लिए नहीं मिल सकता। तो ये चीज हो गई। और इसी टाइप से आप और भी जो भी चीजें ऐड करना चाहे, मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो तीन, मान लीजिए एक अभी आपके लिए दिखाया है, ये 6 बॉटल वाला भी मैं दिखाऊंगा, तो इसमें भी मैंने सेम चीज की है कि 30% ऑफ $39 जो भी है बाय नाउ वगैरह पे क्लिक करेगा तो वो आपके क्लिक बैंक प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चूंकि हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर ही है तो वो भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब कहा जाए तो जो भी आप, मान लीजिए यहाँ पे जो भी कैटेगरीज आप बनाओगे, जैसे एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर एक ही प्रोडक्ट है, इसके अंदर अगर हम हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर जाएं तो 2 प्रोडक्ट है, और आप यहाँ पे अगर 25 प्रोडक्ट ऐड कर दोगे तो 25 के 25 प्रोडक्ट दिखाई देंगे। तो टाइम लेके आप एक अच्छी खासी साइट बना सकते हो और एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, समझे। अब इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको किसी भी टाइप की होस्टिंग नहीं देना है, ये जो बनेगा आपका ब्लॉगर पे बनेगा, सिर्फ आपके लिए एक डोमेन खरीदना पड़ेगा और वो डोमेन आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो। मतलब आपकी साइट पे अगर करोड़ों का ट्रैफिक भी आ जाए ना, तब भी आपकी साइट को कुछ नहीं होगा, हैक होने का डर नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है इसमें। मतलब मैं ब्लॉगर के लिए सबसे अच्छा मानता हूं, लेकिन चूंकि ब्लॉगर की थोड़ी बहुत लिमिटेशंस रहा करती हैं और वो लिमिटेशंस भी मैंने इस टेम्पलेट के अंदर खत्म कर दी हैं, तो आप चाहो तो इस टेम्पलेट को ले सकते हो। ये जो टेम्पलेट है ये 2 टाइप से आपको मिल सकता है, आप आगे जाके देखोगे कैसे कैसे आपको मिलने वाला है। तो 2 जगह से आप इसको ले सकते हो, लिंक मैंने नीचे दे के रखी है, वहां से आप जाके ले सकते हो। क्या लेआउट मिलने वाला है, कैसे लेआउट मिलने वाला है, वो सारी चीजें मैंने आपके लिए दिखा दी यहाँ पे। जो आपको जब आप डाउनलोड कर लोगे, अमेजिंग एफिलिएट ब्लॉगर टेम्पलेट है ये, तो यहाँ पे फर्स्ट जो फाइल मिलेगी, सेकेंड फाइल और थर्ड फाइल, यहाँ पे 3 फाइल है, एक है इसका डॉक्यूमेंटेशन, फिर प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, और थर्ड जो इसका कहा जाए तो मेन टेम्पलेट रहेगा। अब हम आगे ये सारी चीजें देखेंगे कि आपको इसमें ब्लॉगर में अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, कैटेगरीज कैसे ऐड करना है, ये पूरा टेम्पलेट कैसे ऐड करना है, ये बैनर्स वगैरह कैसे लगाना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। या ये जो कैटेगरीज वगैरह है कैसे दिखाई दे रही हैं, ये जो है ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे कैसे आप पूरा एडिट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी मिला हुआ है, तो आप ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी इसका देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे A to Z सारी चीजें आप आज की वीडियो में देखने वाले हो, तो मेक श्योर कि आप 1% मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप ब्लॉगर में एक कंप्लीट एफिलिएट साइट कैसे बना सकते हैं वो आज के वीडियो में हम देखते हैं। आप लोग जैसे ही फाइल को डाउनलोड करोगे, आपको कुछ इस टाइप का एक फोल्डर मिलेगा, ये फोल्डर जो है वो जिप फाइल रहेगा, तो आप जिप फाइल को अनकंप्रेस करने के लिए विनजिप या विनरार का यूज कर सकते हो, इन दोनों में से, ये दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आप जैसे ही इसको अनजिप करोगे, आपके लिए ये 2 फाइल मिलती है, एक आप यहाँ पे देख सकते हो मेन फाइल रहेगी, और दूसरी जो रहेगी वो रहेगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, आप इसको ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस टाइप से रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसा रहेगा कि आपको पूरा कैसे करना है, वैसे मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन इसमें कुछ अलग ऑप्शन भी रहा करते हैं, मान लीजिए आपको कुछ भी चेंज वगैरह करना है तो वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब यहाँ पे हम कंप्लीट देखने वाले हैं कि आप कैसे एक पूरी साइट बना सकते हैं, एफिलिएट साइट बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप ब्लॉगर में जाओगे, ऑब्वियसली बात है अगर आपने जीमेल में ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आपका
जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड आपसे पूछेगा। आप यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप डायरेक्ट आ जाते हैं इस पेज पे। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपको अपनी ब्लॉग का नाम क्या रखना है। तो जो भी आपको रखना है, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक डेमो अकाउंट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको हर चीज बिल्कुल स्टार्टिंग से बतानी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डेमो अकाउंट लिया है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं और मेन जो आपका डोमेन रहेगा वो ऑब्वियसली बात है डोमेन आपको लेना चाहिए। बेस्ट रिकमेंडेड है कि एक डोमेन आप जरूर लेना चाहें। अगर आप कोई निश चुन रहे हैं तो आप निश के हिसाब से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपने मेरा देखा होगा तो मेरा सिंपल सा anantvyasoni.in है, आप चाहें तो उस टाइप से भी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे नाम हम कुछ भी डाल दिया करते हैं, तो जैसे XYZ डेली लाइफ कुछ करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे blogspot.com का एक कोई डोमेन लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे XYZ डेली लाइफ लिखा तो मेरे ख्याल से ये अवेलेबल होगा शायद, तो यहाँ पे चेक किया और ये चीज अवेलेबल है। देन आपको नेक्स्ट करना है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं होगी तो जैसे यहाँ पे मैं करूंगा तो ये देखिए इस टाइप का एरर आ जाएगा। अब आपको नेम क्या दिखाना है लोगों को, तो जैसे मैंने लिखा XYZ डेली लाइफ, ये ऑब्वियसली बात है कि हम अपने ब्लॉग का नेम रखना चाह रहे हैं। आप जो भी रखना चाहो, मान लीजिए मेरा जो मेन ब्लॉग है उसका नाम है anantvyasoni, तो आपको एक अच्छा खासा नाम सोच लेना। जैसे कुछ आपने देखा होगा कि एफिलिएट स्टोर्स के कुछ भी नाम होते हैं, मतलब अगर उनका निश है मान लीजिए पेट का है तो पेट से रिलेटेड कुछ नेम होगा। तो आपका अगर कुछ ऐसा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइप के आइटम डालने वाले हो, जो भी चीज आप डालने वाले हो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट ब्लॉग बन जाता है। लेकिन अभी जो आपका ब्लॉग दिखाई दे रहा है वो आपका कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा ब्लॉग है, इसमें कुछ भी नहीं है। कहा जाए तो एक सिंपल सी थीम आपको जो ब्लॉगर के थ्रू प्रोवाइड की है वही थीम आपको यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये वाली थीम यहाँ पे अपलोड करनी है, तो अपलोड कैसे करना है, तो सिंपल सा आपको थीम्स में जाना है और थीम्स में यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि ये डायरेक्ट अपलोड नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इस पे एक बार क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हमारा एक ब्लैंक टेम्पलेट है तो हम यहाँ पे किसी भी टाइप का बैकअप नहीं लेंगे। अदरवाइज आप चाहें कि आपकी कोई ऐसी ऑलरेडी एक साइट बनी हुई है तो आप बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्विच टू विदाउट अ बैकअप करूंगा और यहाँ पे सिंपल सा देन आपको रीस्टोर पे क्लिक करना है। रीस्टोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे अपलोड के लिए पूछा जाएगा और आपकी जहां भी फाइल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी इस फोल्डर के अंदर है, तो सिंपल सा आपको सिलेक्ट करना है एंड देन ओपन करना है। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीस्टोरिंग थीम का, और ये जैसे रीस्टोर्ड थीम आ जाए तो समझ लेना आपकी थीम रीस्टोर हो गई है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का लेआउट दिखाई दे रहा था। हम फिर से यहाँ पे व्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और अभी आप यहां पे देख सकते हैं 100% लेआउट आपका चेंज हो गया है, मतलब एकदम ब्रांड न्यू स्टोर आपका बन चुका है। और ये जो है ये कहा जाए तो बहुत ही शानदार है। तो सारी चीजें आपको एडिट भी आप कर सकते हो, मान लीजिए जो भी ये जो है ये कैटेगरीज हैं आपकी कि आप यहाँ पे 5 टाइप की कैटेगरीज दिखा सकते हैं और इसके अलावा भी आप चाहें तो नीचे आप दिखा सकते हैं और यहाँ पे भी आप कुछ कैटेगरीज वगैरह कुछ नए प्रोडक्ट्स वगैरह, मतलब कहा जाए तो कैटेगरी अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज आप बनाना चाहते हैं तो वो कैटेगरीज भी आप बना सकते हैं। एक दो आप स्पेशल बैनर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने किसी भी वेबसाइट्स में या ब्लॉग में देखा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ बैनर्स वगैरह लगे रहा करते हैं। जैसे आप यहाँ पे मेरी साइट भी देख सकते हैं तो यहाँ पे तो ऐसा कोई बैनर मैंने नहीं लगाया, लेकिन आप कोई कूपन टाइप की साइट अगर खोलेंगे तो वहां पे आपके लिए ये सारी चीजें देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपकी मतलब कहा जाए तो पहले आपका ऐसा दिखाई दे रहा, अभी हम इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो ये भी इसी टाइप से दिखाई देने लगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपकी ऑलमोस्ट साइट बन गई है, अब सिर्फ आपको एडिटिंग करना है। तो एडिटिंग के लिए जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था, आपके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन का भी चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको मैं अभी यहाँ पे क्रोम के थ्रू ही ओपन कर लिया करता हूँ। यहाँ पे आपको A to Z सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि लोगो आपको चेंज करना है तो कैसे करना है। तो मान लीजिए हम भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया करते हैं लोगो वगैरह आपको कैसे चेंज करना है। तो मोस्टली जो चीजें आपकी चेंज होगी वो आपकी लेआउट के अंदर चेंज होंगी, तो सिंपल सा लेआउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके लिए सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको लोगो यहाँ पे चेंज करना है तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके
और जहां पे भी आपका लोगो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अपलोड लोगो इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, इस पे क्लिक करके और आपको चूज कर लेना है। तो जहां पे भी आपका कोई भी लोगो वगैरह है, जैसे अभी एक मेरे पास ये एक हैंड्स फॉर इंडिया का लोगो था, तो यही मैंने लगा दिया और मैंने यहाँ पे सिंपल सा सेव कर दिया। और भी आप यहाँ पे ये टाइटल वगैरह डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और आपको ये विजिट शो करना है या नहीं करना है, ऑब्वियसली बात है लोगो तो आपके में होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कर दिया करता हूँ। और जैसे यहाँ पे अभी ये अमेजिंग एफिलिएट दिखाई दे रहा था, इसकी जगह पे मैं रिफ्रेश करूंगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं हैंड्स फॉर इंडिया का जो भी हमारा लोगो था वो यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ पे हेडर मीनू जो है वो कैसे चेंज करना है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सभी मीनू आपके लिए दिखाई देंगे जो भी इसके अंदर बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर है, फिर उसके अंदर इंट्रो सेक्शन वगैरह ये सारी चीजें बनी है, और ये पोस्ट लेआउट के अंदर ये तीन है। तो आप जैसे इसके अंदर जाएंगे ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर के अंदर ये बाकी सब सेक्शन है और इसके अंदर में ये तीन सेक्शन है, और उसमें आप लिंक डाल सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे जो देखने वाली जरूरी है कि जो आपका ये इसके आगे आप देख सकते हैं किसी भी टाइप का ये अंडरस्कोर नहीं लगा हुआ है, ये जो है इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का जिनके आगे अंडरस्कोर नहीं लगा है वो आपके प्राइमरी मीनू है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, तो ये जो 5 रहेंगे होम, फीचर और इसके बाद ब्लॉगर टेम्पलेट और टाइपोग्राफी शॉर्टकट, तो ये आपके जो हो गए ये आपके प्राइमरी मीनू हो गए। प्राइमरी मीनू के बाद अब यहाँ पे इसके अंडर में ये एक लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 है, मतलब कहा जाए तो ये दोनों जो है वो सब मीनू रहेंगे, और इसके अंदर में ये जो है ये 2 बार लगा हुआ है। ये आपके लिए एक बार दिखाई दे रहा है लेकिन ये एक्चुअली में 2 बार है। जैसे मान लीजिए हम इसको एडिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ, एक बार मैंने सेट किया तो बीच में आ गया, फिर यहाँ पे, तो कहा जाए तो ये 2 बार लगा हुआ। तो इसी टाइप से आपको सारी चीजें इसमें एडिट करना है। अब मान लीजिए इसमें कुछ भी लिंक वगैरह आप लगाना चाहें तो वो लिंक आप लगा सकते हैं। जहां पे हैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इधर पे आपकी लिंक आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी भी पेज की लिंक आपको देना है, तो जैसे ये आपकी एक कैटेगरी बनी है रियल एस्टेट वगैरह, इसको हमने कॉपी लिंक एड्रेस किया, और यहाँ पे जो पोस्ट लेआउट वगैरह लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम कर दिया करते हैं रियल एस्टेट, और यहाँ पे जो लिंक थी इसकी जगह पे हमने रियल एस्टेट वाली लिंक डाल दी और हमने सेव कर दिया, और हम यहाँ पे पूरे मीनू को एक बार सेव कर दिया करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो यहाँ पे आ रहा था ये जो पोस्ट लेआउट वाला था ये ऑप्शन रियल एस्टेट चेंज हो जाएगा, तो हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल एस्टेट आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया और आप ये देख सकते हैं रियल एस्टेट कैटेगरी के अंदर ही आ गया है। तो यहाँ पे आपका हेडर मीनू हो गया, लोगो हो गया। अब ये हेडर बार जो है, ये हेडर बार आपका ये वाला सेक्शन है जहाँ पे होम, बेस्ट सेलर वगैरह ये आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं इसको एडिट पे क्लिक करूंगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं होम, बेस्ट सेलर, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन है कि अगर आपको इस सेक्शन को एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज है फॉलो अस का, तो ये फॉलो अस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इसके अंदर में आप बाकी चीजें अगर डालना चाहें तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉलो अस सेक्शन हो गया। अब आप यहाँ पे हेडर में कोई एड्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो आपका यहाँ पे हेडर में कहीं पे शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे एड अ गैजेट पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप चाहो तो एडसेंस वगैरह या किसी भी टाइप का एड यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे देखो HTML है, एडसेंस है या इमेज है, तो इन तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। तो एड अ गैजेट पे मैंने क्लिक किया, अगर आपका एडसेंस का है तो आप डायरेक्ट यहाँ से एडसेंस लिंक कर सकते हैं। HTML JavaScript वगैरह आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, और आप सिंपल सी इमेज लगाना चाहते हो, मैंने यहाँ पे इमेज को ऐड किया और यहाँ पे आपको एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अभी कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लिया करता हूँ, तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मैंने ही अपने ही कोर्स का एक बैनर बनाया हुआ था, तो ये जो है ये बैनर मैंने हेडर एड्स में लगा दिया, और मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे इसके अंडर में लिंक भी दे सकता हूँ। तो जो मेरा कोर्स है मान लीजिए मैं उसकी लिंक देना चाहता हूँ, मैंने लिंक को कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद ये जो इमेज थी इसको एडिट किया और यहाँ पे आपको वो लिंक ऐड कर देनी है। सिंपल सा मैंने लिंक को ऐड किया और सेव किया, और आप ये टाइटल वगैरह भी देना चाहें दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लिया करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एड आना शुरू हो गया है। मतलब आपका कोई एक ऐसा एड है जो आप ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे जो एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स है उसका बैनर यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा
तो आप यहां पे देख सकते हैं ये डायरेक्ट कोर्स पे आ गया। तो इसी टाइप से सिंपल सा आप यहाँ पे एक बैनर वगैरह भी लगाना चाहें, और भी ऐसा नहीं कि एक ही बैनर, आप और बैनर वगैरह भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो इंट्रो सेक्शन है, ये इंट्रो सेक्शन यहाँ पे जो आपके ये हैं, कहा जाए तो ये जो है ये आपकी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरीज में जो भी कैटेगरीज बनाना चाहे, मान लीजिए हेल्थ एंड पेट की बनाना चाहते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे हेल्थ एंड पेट आप लिख दीजिए। तो टाइटल आप यहाँ पे लिख दीजिए हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है। और आप यहाँ पे कैप्शन वगैरह कुछ देना चाहें, अभी हम फिलहाल के लिए हेल्थ एंड ब्यूटी दे दिया करते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आपको लिंक एक देनी पड़ेगी कि आपको कस्टमर को कहाँ सेंड करना है। अभी जो ये है ये रियल एस्टेट वाली कैटेगरी पे जाएगा। आप अगर जो भी लेबल्स बनाओगे यहाँ पे, एक्चुअली में कहा जाए तो ये लेबल्स पे आपके लिए पहुंचा रहा है। तो जो भी आप जब प्रोडक्ट पोस्ट करोगे उसमें कुछ जो भी लेबल्स बनाओगे, वो लेबल्स की लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। साथ ही आप एक इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी आप इमेज लगाना चाहो। मान लीजिए अभी यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी की है, हम यहाँ पे गूगल पे जाके हेल्थ एंड ब्यूटी मैंने सर्च किया और एक कोई इमेज ले लिया करता हूँ। मान लीजिए ये एक इमेज है, वैसे तो इस टाइप से आपको इमेज नहीं उठानी है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं कोई भी एक, जैसे अनस्प्लैश से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो अनस्प्लैश की इमेजेस होती हैं ये सभी इमेजेस स्टॉक फ्री होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमने एक इमेज डाउनलोड की है, हम इसी को लगा दिया करते हैं। सिंपल सा अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक किया, और जहां भी आपकी इमेज है वो यहाँ पे अपलोड करके और आपको सेव कर देना है। और सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो पार्ट है ये पूरा चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हेल्थ एंड ब्यूटी वगैरह आ जाएगा। मैंने इसको सिंपल सा रिफ्रेश किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी लिखा हुआ आ गया, और जो भी बैनर वगैरह चेंज किया था वो भी चेंज हो गया। यहाँ पे कैटेगरी हमारी रियल एस्टेट ही शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इसके अंदर लिंक थी वो लिंक हमने यहाँ पे चेंज नहीं की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रियल एस्टेट की है। तो ये आप जो भी नया लेबल बनाओ, जैसे जब भी आप कोई भी पोस्ट करते हो, अभी आगे जाके हम पोस्ट करेंगे तो पोस्ट सेक्शन हम बाद में देख लेंगे, और इसके बाद ये सारी कैटेगरीज वगैरह हो गई। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट सेक्शन है, तो ये प्रोडक्ट सेक्शन भी सेम चीज है। मतलब कहा जाए तो यहाँ पे आप अपने लेबल्स वगैरह ही दिखाने वाले हो, तो आप यहां पे देख लेना कि यहां पे लेबल्स आपको कैसे डालने हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि इसके अंदर ये चीज बताया होगा कि आपको लेबल्स वगैरह कैसे ऐड करना है। तो आप यहां पे देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट सेक्शन है, इस प्रोडक्ट सेक्शन में इन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि आपको लेबल्स वगैरह कैसे यहां पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको देख लेना है और उसी टाइप से आपको ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए ये तो सभी में रहेगा, मतलब ये कहा जाए तो गेट पोस्ट सभी में रहेगा, ये शॉर्ट कोड है। इसके बाद जो है रिजल्ट आपको कितने शो करना है, 400 करना है, 500 करना है, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके बाद लेबल्स का नेम क्या रहेगा, तो जैसे यहाँ पे लेबल्स का नेम जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है SEO टूल्स है, तो यहाँ पे आपको SEO टूल्स करके ये चीज लिख देना है, ये कहा जाए तो आपका लेबल्स रहेगा। ये चीजें भी अभी मैं आपके लिए आगे चेंज करके बताऊंगा। ये जो सेक्शन है ये सेम आपका प्रोडक्ट सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप जाके चेक करेंगे तो ये जो है ये आपका ये वाला सेक्शन था। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एडसेंस वगैरह के कोड भी आप ऐड करना चाहें तो इसको एडिट करके और आप ऐड कर देना, और वो आपके यहाँ पे बीच बीच में आपके एड्स वगैरह शो होने लगेंगे। तो ये आपका एक सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे मेन पोस्ट, जो भी आप यहाँ पे पोस्ट करते जाओगे, मतलब कहा जाए तो जो भी आपकी रिसेंट पोस्ट रहेंगी वो सारी पोस्ट यहाँ पे दिखाई देंगी। इसके बाद एक ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स का भी इन्होंने सेक्शन बनाया है, इसमें जो है वो आपके एक्सक्लूसिव नॉन डुप्लीकेट पोस्ट सिस्टम आपके लिए दिखाई देगा कि ये जो भी बंदे ने ऑलरेडी देखे हुए हैं वही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रियल एस्टेट और लग्जरी कार है, तो ये भी कहा जाए तो एक प्रकार से लेबल है कि इसके अंडर के, मतलब अगर आपने मान लीजिए इसका नाम आपने कर दिया पेट्स, और पेट्स के अंदर की जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारे इसके अंदर दिखाई देंगे। या फिर आपने इसका नेम कर दिया हेल्थ एंड ब्यूटी, तो हेल्थ एंड ब्यूटी लेबल के अंदर जो भी पोस्ट होंगे वो सभी इसके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आ गए हैं, रियल एस्टेट और लग्जरी, इनके अंदर अभी कोई पोस्ट नहीं है इसलिए इधर पे इस टाइप से शो हो रहा है, अभी मैं आगे आपके लिए दिखाऊंगा। अब यहाँ पे फुटर के एड्स जो हैं, दो एड्स मैंने आपके लिए बोला था कि दो एड्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये दोनों एड्स वही हैं कि जो भी आप यहाँ पे एड लगाना चाहें, मान लीजिए अमेजोन का कोई प्रोडक्ट वगैरह है उसका आप लगाना चाहें, उसका बैनर लगाना चाहें, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये नीचे लास्ट के सेक्शन है अबाउट अस सेक्शन वगैरह, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स, और ये दो जो आपके लिए
फुटर मीनू वगैरह मिले हैं, ये सब अगर आपको चेंज करना है तो वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के इतना है। और ये एक और आपके लिए सेक्शन मिलता है जो कि कुकीज वाला सेक्शन होता है। जब स्टार्टिंग में आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे एक साइड में एक कुकीज वाला सेक्शन भी आता है। अभी चूंकि मैं उसको बंद कर चुका हूं, वो आपको स्टार्टिंग में ही किसी भी साइट पे आप जाओगे तो स्टार्टिंग में ही आपके लिए दिखाई देगा। तो वो जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, लिमिट कितने दिन की लगाई है, 7 डेज की। तो 7 दिन के अंदर एक बार किसी ने क्लोज कर दिया तो वो अब 7 दिन तक दिखाई नहीं देगा। और ये आपका फुटर मीनू हो गया, ये आपका कॉपीराइट सेक्शन हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एक कॉपीराइट सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज आपको चेंज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद ये आपका एक साइड बार मिल जाता है। चूंकि यहाँ पे कोई साइड बार नहीं है, अगर आप साइड बार लेके आना चाहें तो आप यहाँ पे साइड बार लेके भी आ सकते हैं। तो ये कुल मिला के इतना सा ही था, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। और यहाँ पे आप चाहें तो मेल किम्प वगैरह का फॉर्म भी लगा सकते हैं, ईमेल वगैरह सबमिट करना है तो वो भी आपके लिए इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी चीजें बताई हुई हैं कि आपको मेल किम फॉर्म वगैरह कैसे लगाना है। और भी आप यहाँ पे देखेंगे ना तो सारी चीजें बताई हैं कि मान लीजिए इन आर्टिकल में आपको एड्स दिखाना है कैसे दिखा सकते हो, और आप एड्स को मूव करना चाहते हो, ऑथर बॉक्स जो होता है, मतलब कहा जाए तो बायो सेक्शन जो होता है वो आपको कैसे दिखाना है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके कैसे रहेंगे, सोशल मीडिया आइकॉन वगैरह, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट गैजेट वगैरह, साइड बार एड्स अगर साइड बार में लगाना है, और जैसा कि मैंने आपके लिए बोला था कि मेल किम का सब्सक्रिप्शन फॉर्म अगर लगाना चाहे तो वो भी आप यहां पे लगा सकते हैं। तो मतलब कहा जाए तो ये एक ऐसा है जो आपके लिए सब कुछ करके देगा। और जो इनका प्रोडक्ट सेक्शन है, जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है वो है इनका प्रोडक्ट सेक्शन। तो वो जो चीज है वही मैं अभी आपके लिए बताऊंगा कि प्रोडक्ट वगैरह आपको कैसे यहां पर डालना। यहां पे जो सबसे मेन चीज है प्रोडक्ट ऐड करना। और प्रोडक्ट ऐड करने का सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें क्या है तो वो मैं आपके लिए दिखा दिया करता हूं। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपके दिखाई देंगे वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई देंगे। आपका इस टाइप का बटन दिखाई देगा, 2 जगह आपका बटन दिखाई देगा, किस टाइप की पोस्ट आपकी दिखाई देगी तो मैं यहाँ पे 1-2 पोस्ट आपके लिए करके दिखा रहा हूं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप प्रोडक्ट पोस्ट करना चाहें, मान लीजिए आप यहाँ पे अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट पोस्ट करना चाहें तो सिंपल सा आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट पोस्ट करना है। मान लीजिए ये एक मैप जो है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी को पोस्ट करना है, तो 1-2 इसकी इमेज भी आप चाहो तो निकाल लेना। या मान लीजिए अभी मैं फिलहाल के लिए ये जो प्राइमरी इमेज है इसी को ले लिया करता हूँ और मैंने इस इमेज को कर लिया सेव। ये इसका प्रोडक्ट का नेम है और इसके बारे में ये कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नेम कॉपी कर लिया करता हूँ। ये मैंने यहाँ से नेम को कॉपी किया तो ये आपका जो है वो टाइटल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टाइटल पेस्ट कर दिया और अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालना है। तो डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो पूरा डिस्क्रिप्शन भी नीचे से कॉपी कर सकते हो, उसमें नीचे भी पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। तो मान लीजिए ये सिंपल सा मैंने यहाँ से कॉपी किया। और आप कॉपी पेस्ट ज्यादा मत करना। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, वो चीजें आपकी रैंक नहीं होती है तो आप कॉपी पेस्ट ज्यादा मत करना। जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है उसी को अपने वर्ड्स में लिखना। वैसे आप अमेजोन से कॉपी पेस्ट करते हो तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो फिर आप कॉपी पेस्ट ही क्यों करो। आप थोड़ा सा उसको अच्छे से लिखो ताकि आपके ब्लॉग्स वगैरह भी रैंक हो। तो ये मान लीजिए ये जो भी था इसको आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छे से करना, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो सभी ये टेक्स्ट जो है वो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं इनकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लियर कर दिया करता हूँ। अभी ये जो कहा जाए तो एक हिसाब से सिंपल सा आपका जो भी एक फॉर्मेट है वही एक नॉर्मल फॉर्मेट आ रहा है। अब यहाँ पे जो मैं आपके लिए दिखाने वाला था वो चीज थी कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो एकदम शानदार दिखाई देना चाहिए, ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे एक और चीज हम कर दिया करते हैं कि सबसे पहले हम इमेज भी यहाँ पे ऐड कर दिया करते हैं। तो जो आपके लिए ये एक आइकॉन दिखाई दे रहा है इस आइकॉन पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा और फिर आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहां पे भी आपकी इमेज है वो इमेज आपको अपलोड कर देना है। जैसे ही आपकी इमेज अपलोड हो जाती है इमेज को सिलेक्ट करना और यहाँ पे ये छोटी साइज आ रही है, अगर आप साइज वगैरह इसकी चेंज करना चाहें, बड़ी करना चाहें या ओरिजिनल कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है तो लार्ज रखिए, वो इनफ होती है, मतलब इतनी साइज इनफ है। और अगर आप इससे भी ज्यादा बड़ी रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ओरिजिनल कर दिया करता हूँ और मैंने इसको अपडेट कर दिया, अब आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा बड़ी साइज हो गई। तो इतनी बड़ी साइज भी आपको नहीं रखना है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज भी अभी मैं फिलहाल के लिए कर दिया करता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज ठीक है, मतलब चलेगा इतना।
अब यहाँ पे जो मैंने आपके लिए बोला था कि आपके प्रोडक्ट्स में ये जो आपका प्राइस है वो प्राइस दिखाई देना चाहिए, तो प्राइस कैसे दिखाई देगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से आपका प्राइस दिखाई देगा। तो आपको सिंपल सा अगर स्टैंडर्ड प्राइस शो करना है तो आपका इस टाइप से दिखाई देगा, मतलब इधर पे किसी भी टाइप का डिस्काउंट नहीं रहेगा। अगर आप डिस्काउंट के साथ दिखाना चाहते हो, मतलब आपका जो है वो इस टाइप से दिखाई दे, तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो विथ डिस्काउंट भी है। अब यहाँ पे तीसरा है कि अगर आपको सिंपल सा फ्री वाला दिखाना है कि सिंपल सा फ्री है, तो वो आप ये वाला यूज कर सकते हो। डाउनलोडेबल टाइप का है तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड नाउ का बटन आ रहा है, इस टाइप से कर सकते हो। मेक एन ऑफर इस टाइप का भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तीन चार टाइप के बटन यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक मैं आपके लिए दिखा दिया करता हूँ, ये जो ऑफर वाला, तो सिंपल सा मैंने इसी को यहाँ से कॉपी किया और आपको अपने ब्लॉग में जाना है, जहां पे भी इसको दिखाना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दिखाई दे, ये जो प्रोडक्ट है उसके नीचे दिखाई दे, तो आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो भी इस प्रोडक्ट का रिव्यू था, मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, 499 का ये प्रोडक्ट था, तो ये मैं यहाँ से इसका प्राइस यहाँ से कॉपी किया और ये प्राइस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और आप इसको चाहो तो और अच्छे से बना लेना, तो मैंने यहाँ पे अभी इसका कहा जाए तो जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट था वो हटा दिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो 30% ऑफ कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। बाय नाउ की जगह आप अगर बाय ऑन अमेजोन लिखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय ऑन अमेजोन, तो इस टाइप से आपका हो गया। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपके लिए बोला था, लेबल्स आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनाना है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे एक होम डेकोर करके एक मैं नया लेबल बना दिया करता हूँ, ठीक है। होम डेकोर करके हमने एक लेबल बना दिया, आप इसकी परमा लिंक वगैरह चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। परमा लिंक होता है कि एक ही ऑटो जनरेट करता है, अगर आप उसमें कुछ चेंज वगैरह करना चाहें तो आप कस्टम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी मैं फिलहाल ऑटोमेटिक कर दिया करता हूँ। ऑप्शंस में यहाँ पे आप चाहते हो कि कमेंट वगैरह अलाउ करना है, ठीक है, तो इस टाइप से आपको सारी चीजें लिख देना है। और जरूरी भी नहीं है कि आप एक ही यहाँ पे लेवल बना सकते हो। मान लीजिए होम डेकोर के साथ में आप यहाँ पे वॉल डेकोर भी एक और ऐड करना चाहो, वो आप ऐड कर सकते हो। मतलब ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ये आप जितने भी यहाँ पे ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एक और काम बचा है कि यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट की लिंक लगाना होगी जहां पे आपको इसको भेजना है। मान लीजिए आपको, ऑब्वियसली बात है, हम एफिलिएट प्रोडक्ट्स के कहा जाए तो एफिलिएट अर्निंग के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसकी लिंक आपको यहां से जाके और यहां से आपको इसकी लिंक को कॉपी कर लेना है। ये कहा जाए तो ये इस प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक है जो कि आपकी लिंक है। मतलब अब कोई भी बंदा इस लिंक के थ्रू परचेस करेगा तो आपको उसका कमीशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके और आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिंक को ऐड कर देना है। आप चाहते हो कि न्यू टैब में ओपन हो तो इसको टिक करके और आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है और आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद सिंपल सा मैंने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे सबसे मेन चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रीव्यू वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को व्यू करता हूँ, व्यू में थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई देगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपने प्रोडक्ट का टाइटल रखा था वो टाइटल आ रहा है, और उसके बाद जो बाय नाउ बटन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना शानदार आ रहा है। ये दो बार क्यों आ रहा है वो मैं यहाँ पे देख लूंगा अभी पोस्ट में। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये दो बार आ रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लिया करता हूं। तो यहाँ पे हमने एक बार यहाँ पे गैप ज्यादा दे दिया था, अभी मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करके देखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो ₹4999 और 30% ऑफ। ये 30% की जगह आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पे चाहो। मान लीजिए यहाँ पे 75% ऑफ है तो आप यहाँ पे इसको 75 भी कर सकते हो। ये सारी चीजें मतलब कहा जाए तो आपके हाथ में है। तो मैंने यहाँ पे 75 कर दिया, मैंने इसको अपडेट कर दिया और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 75% ऑफ आ गया। और साथ में इस प्रोडक्ट के नीचे भी यहाँ पे आ सकता है, और आप चाहो तो एक बार लास्ट में यही सेम चीज आप लास्ट में कॉपी पेस्ट कर देना तो यहाँ पे भी ये बटन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपका हाई कन्वर्टिंग रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज जो देखने वाली बात है कि यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्राइस वगैरह है वो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख
सकते हो ₹4999 जो भी आपका प्राइस था, 75% ऑफ है। इसी टाइप से जितने प्रोडक्ट भी आप पोस्ट करते जाओगे सभी यहाँ पे एक लाइन से दिखाई देते जाएंगे और आप इनको कैटेगराइज कर दोगे। मान लीजिए ये जो चीज एक था हमने होम डेकोर बनाया था, ये जो रियल एस्टेट है हम इसको ही होम डेकोर कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे लेआउट में और लेआउट में हम नीचे नीचे आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे रियल एस्टेट लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम डाल देंगे क्या अपना जो भी आपका था। मान लीजिए होम डेकोर था, मैंने यहाँ पे सिंपल सा होम डेकोर लिखा और यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम नेम लिखना है जो भी आपका नेम था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा होम डेकोर लिखा और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो रियल एस्टेट था ये आपका होम डेकोर कैटेगरी पे पहुंच जाएगा और यही सेम चीज यहाँ पे भी दिखाई देने लगी। मतलब होम डेकोर कैटेगरी के अंदर जो भी आते जाएंगे वो आपके यहाँ पे दिखाई देते जाएंगे और ये जो है ये कहा जाए तो आपके अपडेटेड जो आते जाएंगे वो आपके यहाँ पे दिखाई देंगे, बाकी ये आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज बना सकते हो। तो ये एक होम डेकोर हो गया, मान लीजिए वॉल डेकोर हो गया और भी आप मान लीजिए किचन के टूल्स डाल रहे हो या जो भी चीजें डाल रहे हो उस टाइप की डिफरेंट कैटेगरीज आप बना सकते हो। और आप इसका सबसे मेन चीज जो अच्छी लगती है वो है इसका प्रोडक्ट पेज जो कि सबसे हाई कन्वर्टिंग है। इसको आप और जितना अच्छा लिखना चाहो वो चीजें लिख सकते हो। मतलब कहा जाए तो कॉल टू एक्शन वगैरह सारी चीजें एकदम बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने आपके लिए बोला था मेल किम फॉर्म वगैरह भी आपका दिखाई देगा, तो अगर कोई कस्टमर चाहे तो वो यहाँ पे आपकी ईमेल लिस्ट को भी सब्सक्राइब कर सकता है और जो भी ये मेलकिम फॉर्म वगैरह लिखा है आप यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो दो कैटेगरीज हमने बनाई थी अभी तक, मतलब दो लेवल्स हमने बनाए थे होम डेकोर और वॉल डेकोर। जो भी हमने इस प्रोडक्ट के अंदर दो लेवल्स डाले हुए थे वो लेवल्स आपको यहाँ पे सबसे नीचे दिखाई देंगे होम डेकोर और वॉल डेकोर। या आप इस कैटेगरी के अंदर जाएंगे जहां भी आपने पोस्ट वगैरह की है तो यहाँ पे भी आपके लिए वो दोनों कैटेगरीज आपकी दिखाई देंगी। इसी टाइप से अभी मैं तकरीबन 3-4 प्रोडक्ट पोस्ट करने के बाद आपके लिए थोड़ा सा लेआउट इसका शो करता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोस्ट मैंने की हैं, कहा जाए तो मैंने सिंपल सा कॉपी पेस्ट किया है। सिंपल सा आपको एक एग्जांपल शो करने के लिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 टाइप से यहाँ पोस्ट किया है। एक है जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4999 और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिस्काउंट दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें फिर से 28% डिस्काउंट दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे एक्चुअली में डॉलर हो गया है। तो आप चाहो तो ये चीजें मतलब अपने हाथ में होती है तो आप इसको सारी चीजें ऑन द स्पॉट चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो ये तकरीबन 10,000 था तो यहाँ पे मैंने ₹10,499 का कहा जाए तो ये मोबाइल था और ये 0.00 भी हटा देता हूँ, अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैंने इसको अपडेट किया और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो वो वाला प्राइस आ गया। मतलब जो भी आप चाहते हो जिस फॉर्मेट में भी चाहते हो, तो जैसे ₹10,499 कहा जाए तो ये रेडमी का ये वाला फोन मैंने यहाँ पे डाला है, लिंक वगैरह सारी डाली है। अब यहाँ पे होगा क्या, कोई भी बंदा आएगा मान लीजिए वो मेरी साइट पे आया और साइट पे आने के बाद उसको ये चीज उसको दिखाई दी, वो यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे भी प्राइस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी। आप ये जो बाय नाउ की जगह जैसे कि मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि आप चाहो तो बाय ऑन अमेजोन भी कर सकते हो या जो भी आप लिखना चाहो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी बंदा बाय नाउ पे क्लिक करेगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो आपकी एफिलिएट लिंक के थ्रू, जैसे मैं यहाँ पे एफिलिएट लिंक दिखा दिया करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो दिखाई दे रही है ये मेरी एफिलिएट लिंक है AVIN0D-21। और जैसे कि यहाँ पे भी आपको मैं दिखा सकता हूँ तो यहाँ पे कहा जाए तो ये मेरी लिंक है, मतलब कहा जाए तो ट्रैकिंग आईडी है। आपकी एफिलिएट लिंक के साथ बंदा जा रहा है, अब वो इसको अगर परचेस कर लिया करता है या जो भी आपने प्रोडक्ट्स वगैरह डाल के रखे हैं वो अगर उसको परचेस कर लिया करता है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ही कमीशन आने वाला है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपके लिए बोला था कि आप जितनी कैटेगरी चाहें, जैसे यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट मैंने ऐड किए हैं, एक है वॉल डेकोर टाइप या होम डेकोर टाइप और दूसरा है मोबाइल फोन। तो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी भी बना दी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे होम डेकोर दिखाई दे रहा है और मोबाइल फोन दिखाई दे रहा है। अब कोई भी बंदा मोबाइल फोन, सारे मोबाइल फोन देखना चाहता है तो वो इस पे क्लिक करेगा व्यू वॉल पे और यहाँ पे उसको सारे मोबाइल फोन दिखाई देंगे, चूंकि अभी यहाँ पे एक ही है तो एक दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे 8-10 होते तो 8-10 दिखाई दिया करते। जैसे यहाँ पे जो है इस कैटेगरी के अंदर 2 है तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 दिखाई देंगे। तो इसी टाइप से आप लेबल्स वगैरह सारी चीजें बना सकते हो। जैसे मैं आपको पोस्ट
लिस्ट के अंदर दिखा दिया करता हूं मैंने। इसके अंदर दो कैटेगरीज डाली है, होम डिकोर, वॉल डिकोर, होम डिकोर, वॉल डिकोर और मोबाइल फोन। इसके अंदर मैं चाहूं तो एक स्मार्टफोन भी लगा सकता हूं, या जो जो भी आप कैटेगरीज वगैरह और टैक्स वगैरह लगाना चाहें तो वो सारे आप यहां पे लगा सकते हो। मान लीजिए मैं यहां स्मार्टफोन भी यहां पे ऐड कर दूंगा तो ये भी एक नई आपकी कैटेगरी बन गई, ठीक है। तो मान लीजिए स्मार्टफोन्स और मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब ये जो है इसके अंदर ये कहा जाए तो एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट दो कैटेगरीज के अंदर दिखाई देगा। ये जो मेनू वगैरह है, मेनू वगैरह सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो ब्लॉगर टेम्पलेट लिखा है, इसकी जगह पे आप चाहते हो कि आपके स्मार्टफोन का ऑप्शन आ जाए तो आपको सिंपल सा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेआउट के अंदर जाना है और जो भी आपका मेनू है ये लिंक लिस्ट है, इसके अंदर जाके और यहाँ पे जहां पे भी आप देख लेना कहाँ पे है, तो ये जो ब्लॉगर टेम्पलेट लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप इसको एडिट कर दीजिए और ब्लॉगर टेम्पलेट की जगह पे मैं लिख दिया करता हूँ स्मार्टफोन्स, ठीक है। स्मार्टफोन्स के बाद लिंक हमको चाहिए है, तो स्मार्टफोन्स की लिंक आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे जाइए और इसके अंदर में ये आपको नीचे मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे जो ये वाली लिंक है यही लिंक आपकी रहेगी, तो सिंपल सा इसी लिंक को मैंने कॉपी लिंक एड्रेस किया या फिर इसको आप ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद जो ये आपको ऊपर लिंक दिखाई देगी इसको सिंपल सा कॉपी करके और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो हैश लगा हुआ है इसको हटा के और लिंक पेस्ट करके मैंने सेव किया, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो जहां ब्लॉगर टेम्पलेट आ रहा था उसकी जगह स्मार्टफोन आ गया। जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा वो आपकी स्मार्टफोन वाली कैटेगरी पे आ जाएगा। तो ये कुल मिला के इतना सा था यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ब्लॉगर टेम्पलेट है जो आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, इतनी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब ये जो लेआउट है, ये लेआउट बनाना मेरे ख्याल से सबके बस की बात नहीं है, तो आप चाहो तो इसको आप यूज करके देख लेना, ये मेरे ख्याल से बहुत शानदार है। और आप चाहो तो इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, इंप्लीमेंट करोगे तो मेरे ख्याल से सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो चार कैटेगरी हो गई हमारी, होम डेकोर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वॉल डेकोर। तो ये सारी चीजें खैर आपके हाथ में है कि आपको क्या क्या चीजें आपके साइड वार में डालनी है, नहीं डालनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो भी चीजें हैं वो साइड वार की यहाँ पे आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आप ये जो एक टेम्पलेट मिला है इस टेम्पलेट का आप कितनी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, जितनी अच्छी तरीके से आप यूज करना चाहें कीजिए। और ये जो है ये बहुत शानदार है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतना शानदार। आप इसको एक बार लेके देखिए, आपको रियली अर्निंग होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमने साइट तो बना ली, उस पर हम ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा तो मैं आपके लिए ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आपके लिए इस ब्लॉगर कोर्स के साथ में भी आपके लिए फ्री मिल सकता है। अगर आपके पास ये कोर्स होगा तो आप इसको फ्री में ले सकते हैं, अदरवाइज एक लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप वहां से जाके भी इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपके लिए बता दिया है कि जो भी आप टेम्पलेट डाउनलोड करोगे वो टेम्पलेट में आपको इतनी फाइल मिलेंगी। यहाँ पे एक और मैंने नई फाइल ऐड कर दी है क्योंकि ये जरूरी थी और मैं शायद इसको भूल गया था। तो एक तो आपकी फाइल कौन सी हो गई, जो आपकी मेन फाइल है कहा जाए तो टेम्पलेट हो गया। दूसरी जो है वो है कि आपको पूरा सेटअप कैसे करना है, तो ये पूरा सेटअप इसमें दिया हुआ है। और थर्ड जो फाइल रहेगी वो रहेगी कि आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। तो ये प्रोडक्ट ऐड करने के लिए भी यहाँ पे कुछ इन्होंने कोड वगैरह दिए हुए हैं, वो आप सारी चीजें चेक कर लेना। मतलब चीजें बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए यहाँ पे कॉमन एग्जांपल लिखे हुए हैं कि आपको स्टैंडर्ड बटन शो करना है इस टाइप का, तो ये वाला कोड आपको सिंपल सा डाल के और लिंक लगा देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक लगाई है। और लिंक क्यों लगाना है, लिंक इसलिए लगाना है कि अगर आप लिंक नहीं लगाओगे तो वो बंदा जाके परचेस कैसे करेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपनी अमेजोन की लिंक लगा के रखी है, तो इसी टाइप से आपको ये वाला कोड यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट करके और लिंक लगा देनी है। तो ये जो टेम्पलेट हो गया, इसी टाइप से फिर आपको ये वाला अगर बटन चाहिए तो ये वाला कोड पेस्ट करना है, इस टाइप का बाय नाउ का मतलब फ्री वाला दिखाना है तो सिंपल सा यहाँ पे फ्री यस करके और ये आपका फ्री आ जाएगा। डाउनलोडेबल टाइप का कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए फ्री ई बुक वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप डाउनलोड वाला ये वाला बटन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। मेक एन ऑफर में आप चाहते हो कि इस टाइप से व्हाट्सएप वगैरह का आइकॉन आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये व्हाट्सएप वगैरह लिखा हुआ है, इसी टाइप से आप आइकॉन वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टेम्पलेट है जो आपके लिए रियली
बहुत कुछ दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपके लिए बता दी हैं कि आप चाहो तो ये कोर्स ले सकते हो। अब इस कोर्स का बेनिफिट क्या है? इस कोर्स का बेनिफिट ये है, एक तो आपके लिए ऑब्वियसली बात है कि ये जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट आपके लिए फ्री मिल जाएगा। दूसरा है कि आप यहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह करना सीख सकते हो। पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका ब्लॉग है उसका आपको SEO वगैरह कैसे करना है, ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करना है, ट्रैफिक किस टाइप से लेके आना है और उसको मोनिटाइज किन किन तरीकों से कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी थोड़ी बताई हुई है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप ऑब्वियसली बात है अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल बताया। तो इसके इस कोर्स के अंदर भी मैं ये वाला ऐड कर दूंगा। तो आप के पास दो ऑप्शन है कि या तो आप यहां से ये वाला कोर्स ले लो, इसके अंदर आपको ये वाला टेम्पलेट मिल जाएगा, या फिर मैंने एक और लिंक दे के रखी है, आप वहां से भी जाके ले सकते हो। तो आई होप यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि क्या चीज आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, क्या मिलने वाला है, वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अभी भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों फ्रेंड फैमिली जो लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।